नमस्कार। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी यह नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह नहीं होती, मतलब आईवीएफ प्रेगनेंसी होने के बाद रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर वह बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब गलतफहमी आपके मन से निकाल दें। आईवीएफ के द्वारा रही हुई प्रेगनेंसी किसी भी नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है और वह बच्चा बढ़ते वक्त पूरे 9 महीने जैसे कोई नेचुरल प्रेगनेंसी बढ़ती है उतना ही वैसे ही बढ़ता है। उसकी रिस्क, अबॉर्शन की रिस्क या फिर प्रीटर्म डिलीवरी की रिस्क या फिर उसमें बच्चे में व्यंग होने यानी एबनॉर्मलिटी या फिर एबनॉर्मल बच्चा होने की रिस्क लगभग उतनी ही रहती है जितनी किसी नॉर्मल या नेचुरल कंसीव हुए वाले प्रेगनेंसी की रहती है। तो यह मन में से यह डर निकाल दें कि आईवीएफ प्रेगनेंसी यह नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, बल्कि आईवीएफ प्रेगनेंसी यह पूरी तरह जिस तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसा ही बच्चा बनता है, वैसे ही 9 महीने डेवलपमेंट होता है और उसके रिस्क लगभग नेचुरल प्रेगनेंसी के जितने ही होते हैं। थैंक यू।